तो दोस्तों आज मैं शटर को उठा रहा था सुबेरे, ये उठा नहीं, पता नहीं क्या हो गया हमारे शटर पे, उठा नहीं, ये इतने पे ही रह गया। और मैंने किसी बंदे को, मतलब कोई बंदा जैसे कोई देख रहा था, तो वो ये कह रहा था कि भाई इसकी स्प्रिंग टूट गई है। अब स्प्रिंग जो शटर की है वो क्योंकि दोनों ही टूटी है शायद, इसलिए शटर काम नहीं कर रहा है। तो इसको बुलाया मैंने, एक दोस्त है मेरा खास जिगरी, उसको भेजा है। तो वो अपनी बाइक लेके गया, वो कह रहा भाई मैं लेके आता हूँ मिस्त्री को। तो वो लेने के, आप देखते हैं मिस्त्री आएगा तो कितना खर्चा बताता है, क्या बताता है। तो आज जैसे नहीं उठा रहे थे सुबह, तो कह रहे उठे ही नहीं आई ऊपर, इतना उठ गया। पहले तो ये बिल्कुल नहीं उठ रहा था ना, ना बिल्कुल नहीं उठ रहा था, बड़ी जान लगा के उठाना पड़ा हमारे को। तो ये थोड़ा फिर ऊपर था, तो मैं इसको कोशिश करी थोड़ा और ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं गया, थोड़ा नीचे आ गया, अभी बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आ गए शटर वाले भैया जी, जो कि शटर सही कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था, तो इसकी स्प्रिंग दोनों खराब हो चुकी है, और ये ना स्प्रिंग चेंज होगी, तो भैया स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं अभी। तो ये यहाँ पे खड़े हैं मेरे पापा बेटे, ये खराब हो गई स्प्रिंग। ये सब जाए कबाड़े में, फायदा है फिर परेशान करती। अब ये कितने साल तक चलेगी, अब ये कितने साल तक चलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग, आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, और हम भी एकदम बढ़िया है। तो हम हो गए खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि मैंने बताया था जैसे सुबह कि हमारा शटर खराब हो रखा है, तो शटर में लग गया आज हमारा सारा दिन, टाइम हो गया है सवा एक बज गए हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि बनाएं पुलाव, आज हम बनाएंगे पुलाव क्योंकि जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी मदद कर रहे हैं, वो मटर छील रहे हैं, और मैं काट रही हूँ यहाँ पे आलू प्याज। तो फटाफट काटते हैं और खाना पीना बनाते हैं। तो शटर ने सारा दिमाग खराब कर दिया है, कि उसमें उसके ना दोनों स्प्रिंग खराब हो गई थी, तो उसमें हमारे आ गए हैं 3,500-4,000 का खर्चा। और यहाँ पे आज मेरे बेटे को भी ले गए उसके बड़े पापा और टेस्ट करवाने के लिए, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है काफ़ी दिन से, तो बुखार जैसे उतर रहा आ रहा है। तो 3-4 दिन तो हमने देख लिया ठीक नहीं हो रहा था, तो आज उसके ताऊ उसको ले गए, ताऊ उताई टेस्ट करवाने के लिए कि क्या आता है। तो वो पता चलेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आता, तब तक क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे इनको लग गई है बेचारों प्याज काम करते करते, तो मटर भी इन्होंने छील दी है, ये जो मटर छील गई इनकी, और ये मैंने काट दी है। यहाँ पे गोभी भी, मेरे पास गोभी थी तो 2 शिमला मिर्च थी, और मैंने आलू भी इसी में रखे हुए हैं, आलू शिमला मिर्च इसी में है, और गोभी कट गई है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट चावल बनाने, और टाइम तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, आज 1:30 बज गए। और तो और इस टाइम तक खाना बन जाता था, लेकिन आज खाना नहीं बना है, और फटाफट बनाती हूँ। और एक तो मेरे इसमें फुंसी भी उतनी मोटी हो रही है, इसमें दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है आज कल, हम कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी तो मैंने एक चीज़ बताई नहीं है कि एक नुकसान कितना बड़ा हुआ, वहाँ पर बाद में दिखाऊँगी। अभी एक और नुकसान हुआ इतना बड़ा हमारा, तो मैं अभी बाद में दिखाऊँ क्योंकि मुझे अभी देर हो रही है। तो यहाँ पे ना मेरा बेटा भी आ गया है, दिखाओ बेटा क्या करा डॉक्टर ने, क्या निकाला, दिखाओ दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा बेटा टेस्ट करवा के, यहाँ से बेटा खून निकाला आपके या डॉक्टर ने, है दर्द हुआ था आपके, और मेरी पुंजी हो रही है। तो यहाँ पे ना मेरा बहादुर बेटा है, तो सोचा ये वहाँ पे रोएगा, इसका खून निकलेगा, तो ये कह रहे, तो इसकी वो बड़ी मम्मी बता रही थी कि ये रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बहादुर बेटा है ना, रोता नहीं है ना, वही रोई गिर गई, पता नहीं चला ना क्या हुआ, अब नहीं आ रहा खून, खून तो उस टाइम आया हुआ जब अंकल ने निकाला ना, अंकल ने खुदा खून आया था, थूक लगा रहे मम्मा के, हाय कर दो, हाय कर दो,
भाई मेरा बेटा भी सो गया है और मेरा खाना पीना तो बन ही गया था, बहुत देर हो गई है क्योंकि इसने बहुत टाइम लगाया, थोड़ा सा खाया बस, और इसने बहुत टाइम लगाया सुलाने सोने में। मम्मी मुझे सुला दो, तो मैंने सोचा पहले इसको सुला दूँ, टाइम तो वैसे भी लेट हो ही गए थोड़ा और लेट सही। तो ये सो गया है फिलहाल, इसको आराम मिलेगा थोड़ा। तो मैं देती हूँ हस्बैंड जी खाना, फिर मैं यहाँ पर रख दिया मैंने हस्बैंड जी के लिए खाना, अब वो खा के बताएंगे कैसे हो रहा है। तो मैंने इसमें डाल दिया उनके लिए घी, क्योंकि उनको घी पसंद है और घी में खाएंगे। मैं उनको बुला रही हूँ, मैं जा रही हूँ दुकान में। तो ये ना बेचारे प्याज अपने खुद ही छील रहे हैं, उसको इनको पता है कि आज लेट हो गए, तो ये अपने प्याज छील रहे, तब तक जाओ खाना खाओ। तो मेरे हस्बैंड जी ने खाना खा लिया है और मैं खाऊंगी, और मैं लाई अपने लस्सी, क्योंकि मुझे लस्सी के साथ अच्छा लगता। पुलाओ मैं नहीं खाती, ना मैं घी, मैं ना घी के साथ खाती हूँ और ना दही के साथ, मुझे लगता है ओनली लस्सी के साथ। तो मैं अब खाना खाती हूँ और मैं लाई अपने लिए लस्सी, तो मैं खाऊंगी लस्सी के साथ यम यम पुलाव। ये देख बार मुझे ये नजर आता जब मैं कैमरा देखती हूँ, तो क्योंकि इसमें दर्द बहुत हो रहा है। तो खाते हैं खाना पीना और मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है गर्मा गर्म पुलाव के साथ। आप लोग खाना तो आ जाओ, किसी को खाना है तो आ जाओ पुलाव के साथ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मस्त। आपने तारीफ खुद ही करो, कोई करे ना करे, खाने भाई आपने तारीफ खुद ही करो, खाओ पियो मौज करो। तो पहले खाना खाती हूँ, खाते हम नौ बातें स्कॉर्पियो मारे, स्कॉर्पियो दे यार हम तो है ना, कैश कैश मारे भी तुम कैम स्कॉर्पियो का मान इस वाले पे दो मिनट के लिए पंखा कम करो, मैं तुम्हारे दो जा समय लोग तुम्हारे दो मिनट हो गए। अरे लाइट चल रहा है यार, दो मिनट हो गया आपके, जो टाइम को सफल खान करो खाना पीना पीने बाद बस। अरे दीदी तो खाओ, हम जा सकते हैं क्या, हम जाए। तो दोस्तों अपनी दुकान में बैठी हूँ, जैसे कि थोड़ी देर मुझे हो गए यहाँ पे एक दो घंटे, तो मैं आ गई थी यहाँ पे 6 बजे से, मेरी ड्यूटी हो जाती दुकान में चालू, और अब बज गए 8। तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे बनाना है सब्जी खाना, खाना बनाने टाइम हो गया है और मैं अब जाती हूँ यहाँ से। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।